अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर सेट्स। ठीक है, हम पाइथन के अंदर कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एरेज का काम जो हम करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कौन कौन सी कलेक्शन पढ़ ली है, हमने टपल्स पढ़ लिया है, लिस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टाइप होती है सेट्स, और इसके बाद एक और आएगा डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सारी कलेक्शंस है हमारे पास। इसका मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये चारों जो आपके पास कलेक्शंस हैं, लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी, इन सब मतलब ये सब आपस में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कोई भी दो ऐसे नहीं है जो सेम हो। ठीक है, मतलब टपल है वो डिफरेंट है सेट से, ठीक है, बाकी तीनों से। इसी तरह लिस्ट है वो तीनों से डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। देखो, अब ये एक नया पॉइंट आया है जो कि टपल्स और लिस्ट के अंदर नहीं था। ठीक है, मतलब सेट आपके पास अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। इसका मतलब कि जिस तरह आप डेटा इसके अंदर स्टोर करवाते हो, ये उस तरह से स्टोर नहीं होता। मतलब ये एक अनऑर्डर्ड वे में स्टोर होता है। चाहिए तो अगर इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, ठीक है, तो उसमें साइंटेक्स क्या होता है सेट बनाने का, और अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने पाइचार्म में। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सेट्स। ठीक है, क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी विंडो पे, दिस विंडो पे ओपन करते हैं। ठीक है, फोल्डर आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और एक पाइथन फाइल बनाते हैं। ठीक है, न्यू पे जाते हैं और पाइथन फाइल, और इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ मेन। ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले सेट का आप सिंटैक्स देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सेट वन। ठीक है, और अब देखो, सेट बनाने के लिए जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मतलब जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, टपल पढ़ा था तो पेरेंथीसिस यूज किए थे। आप सेट यूज कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल आइटम दे सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंटीजर में आइटम्स देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब देखो मैंने एक ऑर्डर में अपना ये सेट बना लिया। ठीक है, और सेट के अंदर भी वही है एक सेट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हो और सिमिलर डेटा टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आके इसको रिट्रीव करूँ, ठीक है, प्रिंट का मेथड यूज करते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेट वन। ठीक है, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो जिस तरह से मैंने स्टोर करवाया था उस तरह से रिट्रीव हो रहा है नहीं, अनऑर्डर्ड तरीके से स्टोर हुआ है और अनऑर्डर्ड तरीके से ही आपके पास क्या हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, हालांकि मतलब अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो जीरो इंडेक्स में मैंने क्या स्टोर करवाया था, 11, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, मतलब रैंडम ऑर्डर में हमारे पास ये डेटा स्टोर होता है अनऑर्डर्ड तरीके से और अनऑर्डर्ड तरीके से ही रिट्रीव होता है। देखो यही वजह है, मतलब इसके अंदर सेट के अंदर डेटा अनऑर्डर्ड तरीके से स्टोर होता है ना, यही वजह है कि इसके साथ मैं इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। मतलब सेट के साथ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है। इसका मतलब देखो, अगर मैं सेट वन के आगे इंडेक्सिंग हम कैसे देते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और मैं जीरो लोकेशन, मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है बजाय 11 है। ठीक है, लेकिन चूंकि अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सबस्क्रिप्ट का मतलब इंडेक्स। सही है, तो ये कह रहा है कि जो सेट है उसके अंदर आप इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड तरीके से स्टोर हो रहा है ना। लेकिन आप कह रहे हो कि जीरो लोकेशन पे दिखाओ, तो जीरो लोकेशन पे तो डेटा चेंज होता रहेगा, यही वजह है कि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। तो देखो अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, सेट को प्रिंट करवाऊं और मेरे पास वो अनऑर्डर्ड वे में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। या मैं अगर रिट्रीव करवाना चाहता हूं तो मैं फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं,
ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था हमारे पास, फॉर ठीक है, और एक वेरिएबल बनाता हूँ आई, ठीक है, और फिर इन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट वन। इसका मतलब सेट वन के अंदर जितने भी आइटम है वो वन बाय वन आई के पास जाएंगे, और आई मैं प्रिंट करवा दूंगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके आई प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो, ठीक है, देखो ये आपके पास डेटा आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सही है। मतलब अभी भी देखो फॉर लूप के थ्रू भी जो डेटा हमने आइटरेट करवाया है, लूप थ्रू करवाया है, वो भी अनऑर्डर्ड तरीके से ही रिट्रीव हो रहा है, सही है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपको इंडेक्स से रिट्रीव करवाना है, तब आप सेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा स्टोर करवाना हो और रैंडम तरीके से उसे रिट्रीव करना हो, सही है, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सेट का, ठीक है, सही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब देखो मैंने क्या बताया था, सेट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा सेट बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डालता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग मैंने सेट बना लिया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको हम रन करें, ठीक है, तो देखो अब स्ट्रिंग का डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ, दोनों सेट्स को, अब मैं एक ऐसा सेट बनाता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट थ्री, ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली खान, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं 26 उसकी एज दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसकी हाइट दे देता हूँ 5'11", और फिर जिस तरह हमने देखा था मैरिड है या नहीं है, मैरिड है तो ट्रू, अनमैरिड है तो फॉल्स। मतलब आप देखो एक सेट के अंदर मैंने चार डेटा टाइप का डेटा स्टोर किया है, तो ये भी अलाउड है सेट के अंदर, ठीक है। मतलब देखो हमारे पास जितनी भी कलेक्शन है ना, उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है। सिमिलर डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, या डिफरेंट और सिमिलर दोनों टाइप के डेटा आप कलेक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सेट थ्री को यहाँ पे आके कॉल करूं, ठीक है, रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, डेटा तो आ रहा है, लेकिन वही बात, रैंडम ऑर्डर में आ रहा है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है, सही है। तो यहाँ पे आके इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो एक और नया पॉइंट, एवरी एलिमेंट इज यूनिक, नो डुप्लीकेट्स। इसका मतलब सेट आपके डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, सही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये मैंने पहला सेट बनाया था जिसके अंदर नंबर्स थे, ठीक है, मैं 55 के बाद 11 को रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो 11 शुरू में भी है और एंड में भी मैंने क्या कर दिया, उसको रिपीट कर दिया, मतलब डुप्लीकेट हो गया ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाऊ, ठीक है, सेट वन को अगर मैं अब यहाँ पे आके प्रिंट करवाऊ, तो आप इधर देखना। अब देखो इसने मुझे एरर कोई भी नहीं दिया, लेकिन मैंने डबल वन, मतलब 11 दो दफा लिखा था ना, 11 कितनी दफा दिखा रहा, एक दफा दिखा रहा है, मतलब डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता, सही है। तभी मैंने दो 11 दिए थे तो उसे एक ही दफा दिखाएगा, तो ये भी इसका एक पॉइंट है सेट का, ठीक है। यहां से मैं इसको 11 को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझने वाला है, ये क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब देखो सेट खुद म्यूटेबल है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो इम्यूटेबल है। ये जरा कॉन्सेप्ट समझना, मतलब सेट के अंदर जितनी भी मैं वैल्यूज रखूंगा वो इम्यूटेबल होंगी। इसका मतलब जो वैल्यूज आपने एक दफा डाल दी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, और हम चेंज कैसे करते थे, इंडेक्सिंग के थ्रू करते थे ना। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं, ये मैंने सेट वन प्रिंट करवाया। अब मैं कहता हूं सेट वन के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, बजाय जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 11, मैं कर देता हूं इसके अंदर स्टोर होता है 5। अब देखो मैंने क्या बताया, सेट्स के साथ सबस्क्रिप्ट इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते, लेकिन मैं इंडेक्सिंग के थ्रू ही अपडेट करवा रहा हूं ना, तो ये तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मैं यहां पे आके प्रिंट करवाऊं, ठीक है, अपना सेट वन यहां पे दोबारा मैं प्रिंट करवाता हूं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सही है। मतलब ये वाला काम, अपडेट करने का काम आप नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब अनचेंजेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल और म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, सही है, ये इसका पॉइंट है। मतलब सेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो अनचेंजेबल है, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो, हाउ एवर द सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल, मतलब देखो सेट है ना वो म्यूटेबल है, मतलब वो चेंजेबल है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, देखो मैं सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं अपडेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब ये सेट म्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, वी कैन एड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, मतलब मैं आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं आइटम्स ऐड या डिलीट कर सकता हूं, ये है कॉन्सेप्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे ऐड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, ये भी हम आगे जाके लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर यहां पे देखो, सेट्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन। अब देखो सेट का कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में, तो सेट के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन करते थे, यूनियन, कि भाई दो सेट्स को मर्ज करना है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, दो सेट्स के दरमियान अगर मुझे फॉर एग्जांपल कॉमन मालूम करना है, ठीक है, कॉमन वैल्यूज मालूम करनी है, तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट था। फिर एक आता है डिफरेंस, इसको भी इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे आगे जाके, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो हाउ टू क्रिएट सेट। अ सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स एलिमेंट्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रख लो। मतलब सेट को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स हम लाजमी लगाएंगे, जो कि इस बात की निशानी है कि ये सेट है। फिर देखो सेपरेटेड बाय कॉमा, वही बात, हर एलिमेंट्स को आपने कॉमा से सेपरेट करना है। और अब देखो हम सेट को एक बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, जिसका काम है, जिसका नाम क्या है, सेट फंक्शन। मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब भी बन जाएगा, सेट फंक्शन को यूज करोगे तब भी बन जाएगा। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ, इस पोर्शन को टॉप पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं एक सेट बनाता हूँ सेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने सेट का नाम रखता हूँ सेट टू, और यहाँ पे आके मैं अब सेट का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो सेट का मेथड है ना, ये दो चीजों के लिए यूज होता है, ये सेट बनाने के लिए भी क्रिएट होता है, और फॉर एग्जाम्पल लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। मतलब किसी दूसरा, कोई मेरे पास दूसरी कलेक्शन है उसको मैं सेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब टाइप कास्टिंग करना चाह रहा हूँ, तब भी मैं ये सेट का मेथड यूज कर सकता हूँ। मतलब कोई दूसरी कलेक्शन है लिस्ट, उसको मुझे सेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये मेथड वहां पे यूज कर सकता हूँ। इसी तरह सारे मेथड्स हैं, मतलब सेट का मेथड भी है, टपल का मेथड भी है, लिस्ट का मेथड भी है, ताकि आप उसी कलेक्शन के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इन मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ये पॉइंट है। तो देखो सेट के अंदर मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, मतलब सेट मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके अगर मैं स्टूडेंट्स के नेम दे दूं, आदिल, अली, आमिर, सही है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाऊ, ठीक है, प्रिंट का मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं सेट टू लिखूं और यहाँ पे आके इस तरह से इसको कॉल करूं, रन करते हैं, तो देखो ये भी सेट आ रहा है, मतलब आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए, सही है। तो मतलब इस तरह से भी आप सेट क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब लेंथ कितनी भी हो सकती है, सही है, और डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी हो सकता है। मैंने अभी बताया सिमिलर डेटा टाइप का डेटा भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी हो सकता है। लेकिन अब देखो डेटा टाइप बता रहा है इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग, वो मैं सेट के अंदर बना सकता हूं, बट A set cannot have a mutable element. Mutable element कौन कौन से है? List, set, dictionary. Dictionary अभी हमने नहीं पढ़ा, इस lecture के बाद पढ़ेंगे. As its element. इसका मतलब ये कह रहा है, set क्या है? मैंने क्या बताया? Set खुद आपके पास mutable है, लेकिन उसके अंदर के elements क्या है? Immutable है, unchangeable है. इसका मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ? Set के अंदर जितने भी elements हैं, वो immutable है. इसका मतलब मैं सेट्स के एलिमेंट्स के अंदर म्यूटेबल एलिमेंट नहीं रख सकता। अब म्यूटेबल एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। इसका मतलब म्यूटेबल एलिमेंट कौन से? जिनके अंदर चेंजिंग हो सकती है, सही है। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट नहीं हो सकता,
सेट नहीं हो सकता, डिक्शनरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे म्यूटेबल है। सही है, मैं सेट के अंदर एलिमेंट सिर्फ कौन से रख सकता हूं जो इम्यूटेबल होंगे। सही है, ये एक पॉइंट याद रखना। अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, ठीक है, ये देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं एक सेट बनाता हूं, ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूं सेट थ्री, और यहां पे आके मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, अब देखो पहले तो मैं यहां पे स्टोर करवा लेता हूं, ठीक है, आदिल अली ये मैंने स्टोर करवा दिया। अब इसके अंदर मैं लिस्ट बना रहा हूं, मतलब थर्ड आइटम में क्या बना रहा हूं, लिस्ट बना रहा हूं। अब देखो मैंने क्या बताया, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनको उनके अंदर आप म्यूटेबल एलिमेंट्स नहीं रख सकते। अब मैं थर्ड आइटम क्या बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूं। अब लिस्ट म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स रख लेता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवाऊ इसको सेट थ्री को, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरर देखना, देखो क्या एरर आ रहा है। सेट के अंदर मैंने क्या बनाया, मतलब सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट क्या है हमारे पास, म्यूटेबल है, चेंजेबल है। यही वजह है कि सेट एलिमेंट्स के अंदर म्यूटेबल एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरह मैं सेट के अंदर यहां पे अगर सेट दूं, ठीक है, मैं अगर यहां पे सेट दूं, सही है, मतलब नेस्टेड सेट का कॉन्सेप्ट भी अलाउ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, सेट खुद म्यूटेबल है लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट्स इम्यूटेबल है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं यहां पे आके राइट क्लिक करूं और रन करूं, तो देखो अब क्या कह रहा है, अनहैशेबल टाइप सेट, ठीक है, मतलब सेट के अंदर सेट आप नहीं बना सकते, ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है, चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गई, इसको मैं कमेंट करता हूं। अच्छा एक पॉइंट है यहां पे, देखो मैं अपने सेट के अंदर लिस्ट नहीं बना सकता, सेट नहीं बना सकता और डिक्शनरी नहीं बना सकता, लेकिन मैं टपल बना सकता हूं। टपल क्यों बना सकता हूं, क्योंकि देखो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है ना, ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो भी इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब मैं सेट के अंदर टपल बना सकता हूं, मतलब देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, ये जो थर्ड आइटम है ना, मैं इसके अंदर टपल बना लेता हूं। टपल कैसे बनाते हैं, पेरेंथेसिस के थ्रू। तो अगर मैं यहां पे टपल बनाऊं ना, ठीक है, और फिर इस सेट को प्रिंट करवाऊं, तो अब मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। सही है, देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसा होता नहीं है कि अगर हमें मतलब सेट बनाना है तो उसके अंदर टपल बनाने का यूज बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन अलाउड है। सही है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, फिर इसको कमेंट करते हैं, आगे चलते हैं। सही, तो ये पॉइंट यहां पे हो गए। अब देखो क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट इज अ बिट ट्रिकी, मतलब कि अगर मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना है और अगर मैं वो एम्प्टी सेट बना रहा हूं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं कि मैं एक सेट फोर बना रहा हूं, ठीक है, और मैं कर्ली ब्रैकेट इसमें एम्प्टी छोड़ रहा हूं। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे इस सेट फोर की टाइप पता करूं, क्योंकि मैंने क्या बताया सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई ये सेट जब मैं बनाऊंगा फर्स्ट टाइम तो एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर आइटम में बाद में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब टाइप पता करूं, आपको याद है मैंने एक फंक्शन बताया था टाइप, ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की टाइप, डेटा टाइप आपको बताता है। तो मैं कह रहा हूं ये जो सेट फोर मेरे पास वेरिएबल है इसकी टाइप बताओ, तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो ये क्या बता रहा है, क्लास डिक्शनरी, हालांकि मैंने क्या बनाया, मैंने तो सेट बनाया ना, लेकिन ये क्या बता रहा है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, डिक्शनरी क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन ऐसा पता है क्यों है, क्योंकि सेट और डिक्शनरी इन दोनों के स्टार्ट में मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं। सही है, यही वजह है कि ये इसको अभी क्या समझ रहा है कि ये डिक्शनरी है। क्यों, क्योंकि सेट बनाऊंगा या डिक्शनरी बनाऊंगा उन दोनों से पहले और बाद में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है। सही है, लेकिन मैं अगर एम्प्टी सेट बनाना चाह रहा हूं तब मैं क्या करूंगा, तब मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो जो सेट का मेथड मैंने यूज किया था। ठीक है, मतलब अगर मुझे सेट बनाना है एम्प्टी सेट, तो मैं सेट के मेथड के थ्रू वो काम करूंगा, मैं खाली कर्ली ब्रैकेट के थ्रू वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब अब देखो अगर मैं इसकी टाइप पता करूं, तो अब आप रिजल्ट देखना, अब देखो क्या बता रहा है,
सेट बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये भी लॉजिक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।